क्या शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, उनको आटा चावल का भाव मालूम पड़ जाएगा पटना के अंदर। जब मैंने तो पहले भी कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर अपनी फजीहत मत कराइए, और एक बार दिल्ली में राजेश खन्ना से चुनाव हार चुके हैं तो आए पटना, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को धोखा देने का काम किया है और प्रधानमंत्री को जिस तरह से गालियाँ दे रहे हैं वो लगातार पिछले 2-2.5 साल से, केवल इसलिए कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। जब मंत्री थे तो उन्होंने क्या काम किया, वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो सबसे खराब प्रदर्शन किसी मंत्री का अगर अटल जी के कार्यकाल में था तो स्वास्थ्य मंत्री के नाते शत्रुघ्न सिन्हा का था, तो उनमें क्या सुरखाब का पंख लगा था कि उन्हीं को बनाते। अरे भाई, पार्टी ने मंत्री बनाया, हर एमपी तो मंत्री नहीं बन सकता है, तो केवल इसलिए नाराज हो गए कि मंत्री नहीं बनाया। उनके बेटे की शादी में प्रधानमंत्री दिल्ली से चलकर मुंबई गए, पिछले 5 साल में एक भी शादी में प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर नहीं गए होंगे। तो जिस व्यक्ति को पार्टी ने इतना सम्मान दिया, राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा, मंत्री बनाने का काम किया, सर नज़रों पर उठाए रखे, और वो जाकर वो यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के गैंग में शामिल हो गए, तो आए वो उनसे वोट मांगने के लिए, आए यशवंत सिन्हा पटना में उनके लिए वोट मांगने के लिए, उनको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए देखिए, यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, और देखिए मुख्य बात यह है कि जो महागठबंधन है तो चुनाव के पल ही बिखर गया, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बसपा से कहाँ इनका समझौता हुआ, राजद के और शाहजादा गए थे लखनऊ पहुँच होने के लिए, लेकिन बुआ जी ने और आशीर्वाद नहीं दिया, और आज बसपा पूरे बिहार में 400 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये लेफ्ट के साथ अलायंस कर रहे थे, CPI का उम्मीदवार अलग खड़ा है, CPM का उम्मीदवार अलग खड़ा है, तो कहाँ इनका समझौता हुआ। और बिहार तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर कहाँ इन लोगों का समझौता हुआ, कांग्रेस का UP में समझौता हुआ है क्या, बंगाल में हुआ है क्या, केरल में हुआ है क्या, तो कहाँ इनका समझौता हुआ। देश के अधिकांश राज्यों में ये एक दूसरे के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और आज गए वायनाड चुनाव लड़ने के लिए, अमेठी में डर गए स्मृति ईरानी से, उनको मालूम है कि पिछले बार 1 लाख वोटों का अंतर रह गया जबकि 3-3, 4-4 लाख से जीतते थे, तो अमेठी में अपनी सुनिश्चित हार देखते हुए वायनाड चले गए, और वह मुस्लिम लीग की कृपा पर जिंदा है, क्योंकि जो वायनाड क्षेत्र है वो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, और मुस्लिम लीग की बिना मदद के वो वहाँ चुनाव जीत सकते हैं, तो वह बीजेपी के खिलाफ लड़ने नहीं गए, वो कम्युनिस्टों के खिलाफ गए। तो जो CPI CPM हमेशा उनके लिए वैशाखी का काम करती रही, मदद करती रही, उसी से लड़ने चले गए। रोज़ प्रकाश करात का बयान आ रहा राहुल गांधी के खिलाफ में कि वो क्यों आ गए केरल में लड़ने के लिए। तो देखिए, इनका तो कोई गठबंधन ही नहीं बन पाया किसी राज्य के अंदर। इसलिए जो महागठबंधन है जिसका नामकरण तो नीतीश जी ने किया था, तो जो नामकरण करने वाला व्यक्ति वही चला गया, और जो पार्टियां वो भी सब अलग थलग पड़ गई हैं, तो कोई लड़ाई नहीं है बिहार के अंदर। तो पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो देश के अधिकांश राज्यों में गठबंधन बनाने में और विफल रहा है, इसलिए कांग्रेस नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता।